हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड सहायक आचार्य के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म जो एडिट का ऑप्शन था वो अपडेट हो चुका है क्लास 6 to 8 वाले बच्चे के लिए। अब इनका एग्जामिनेशन जो है कब होने वाला है और बचे हुए 1 to 5 के एग्जामिनेशन को कब तक जो है आप देख सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात है, देखिए जो एग्जाम एजेंसी थी यानी कि जो ऑनलाइन CBT मोड पे एग्जाम कंडक्ट कराने वाली थी तो ये बैन हो गई है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या इससे एग्जाम डेट जो है आगे पीछे हो सकता है या नहीं। देखिए अभी तक का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या था झारखंड में, 7वें चरण का मतदान यानी कि 7th फेज की जो वोटिंग थी संथाल परगना में और कुछ और जगहों पर जो है ये वोटिंग होने वाला था जो कि हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट यानी कि 4 जून को आपका जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा और इस रिजल्ट के बाद जो है आप कभी भी जो है अनाउंसमेंट सुन सकते हो। इवन अभी भी एग्जाम डेट के बारे में आप अनाउंसमेंट सुन सकते हो कि कभी भी आपका जो है एग्जाम डेट अनाउंस किया जा सकता है टू फ्रॉम द JSSC ऑफिस। तो JSSC ऑफिस से कभी भी एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस हो सकती है। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि ये परीक्षा एजेंसी जो बैन हुई है इसके बारे में जो है थोड़ी बात कर ली जाए। तो देखिए CGL परीक्षा लेने वाली एजेंसी सेट बैट को कर्मचारी चयन आयोग ने किया डिवार। डिवार का मतलब हो गया कि इसे जो है कैंसिल कर दिया गया। अब देखिए ये जो कंपनी थी सेटबैट ये चली गई हाईकोर्ट और हाईकोर्ट ने कहा कि देखो भाई तुम जो सेटबैट इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड हो 3 साल के लिए तुमको डिवार किया गया है। किसके द्वारा? JSSC के द्वारा। कि JSSC ने कहा कि तुम लोग जो है पेपर जो है लीक हुआ, इस वजह से तुम लोगों को जो है हम लोग एग्जाम तुम लोगों के द्वारा जो है तुम्हारे मीडियम से नहीं कराने वाले। अब देखो इन्होंने हाईकोर्ट में जो है इस को चुनौती दी और झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि भाई तुम्हारे साथ जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ है, पेपर लीक से जो है समस्या उत्पन्न हुई और इसके जिम्मेदार तुम हो। पेपर अगर लीक हुआ है इसके लिए जिम्मेदार कौन हो? सिर्फ तुम और तुम ही हो। तो अब देखिए अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ठीक है पेपर लीक हो गया, एग्जामिनेशन एजेंसी बैन हो गई, तो झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम कौन सी जो है संस्था कराने वाली है? तो देखिए सबसे पहले थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे सहायक आचार्य का भी एग्जाम देने वाले हैं, आपको भी पता है कि आप आचार्य का भी एग्जाम देने वाले हो, ऑब्वियस सी बात है। और बहुत सारे बच्चे जो है CGL का भी एग्जाम जो है जिन लोग कुछ लोगों ने दिया होगा, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने दिया होगा। एटलीस्ट मैं अगर ये आंकड़ा मानूं दोनों का तो कम से कम 50% बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने दोनों का फॉर्म भरा होगा। अब देखिए CGL का जो एग्जाम था ये ऑफलाइन मोड में था, आपको पता होना चाहिए कि ये ऑफलाइन मोड में जो है अलग अलग डेट में आयोजित कराया गया था। और सहायक आचार्य की जो एग्जामिनेशन है ये CBT मोड पे कंडक्ट कराने वाली एग्जामिनेशन है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है ये होने वाला है। अब देखिए दिक्कत क्या आ गई है, ये एजेंसी बैन होगी, इसका असर आपके सहायक आचार्य के एग्जामिनेशन पे नहीं होने वाला है। सबसे पहले 1 to 5 के जो रेस्ट एग्जामिनेशन है जो कि बचे हुए एग्जामिनेशन है ये कंडक्ट कराया जाएगा और उसके बाद ये एग्जामिनेशन जैसे ही कंडक्ट हो जाएंगे उसके बाद आप 6 to 8 के एग्जामिनेशन की डेट को भी जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आएगा बचे हुए 1 to 5 के एग्जामिनेशन के लिए कि भैया आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, आपको फलाने फलाने तारीख को एग्जामिनेशन में पहुंचना है। उसके बाद 6 to 8 का जो है एग्जामिनेशन डेट अनाउंस की जाएगी। बाय द वे जो लोग झारखंड सहायक आचार्य की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक सूचना है आप लोगों के लिए। देखिए करंट अफेयर्स की वीडियोज मैंने बना रखी है, आप जो है जाकर देखोगे तो आपको सेप्टेम्बर से इवन शायद मुझे लग रहा है कि अगस्त से जो है करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएगी। चैनल पे सर्च कर लोगे अगस्त सितंबर से लेकर अभी तक ये जो है मैंने शायद फरवरी तक जो है आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स तैयार कर दिया या मार्च तक, तो जाकर उन्हें देख लें। देखो हुआ क्या है ना कि 1 to 5 का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें 2023 का ही करंट अफेयर्स पूछा गया। इसका रीजन क्या है कि जनवरी में ये एग्जाम कंडक्ट कराने वाले थे तो ऐसे में पुराने ही करंट अफेयर्स को पूछ लिया गया है, क्वेश्चन इन लोगों ने अपडेट नहीं किया। जबकि देखो नियमता जो है फाइनली जो आखिरी के 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, आखिरी के 6 महीने प्रीवियस 6 मंथ के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो हो सकता है कि पेपर अगर बदल दिया जाए तो फिर आप समस्या में आ जाओगे। यानी कि पेपर को अपडेट कर दिया जाए और नए पेपर को अगर पब्लिश किया जाए तो ऐसे में समस्या हो सकती है। तो मेक श्योर आप जो है जनवरी से लेकर के जून तक का करंट अफेयर्स आपको करना ही पड़ेगा। अब मैं जून को भी अगर एलिमिनेट कर दूं तो एटलीस्ट मई तक का तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप जो है मुसीबत में फंस सकते हो। तो चैनल पे बनी हुई वीडियोस जाकर देख ले, जिनको लगता है कि नहीं 2023 के ही करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे तो वो जाकर के अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखेंगे, तैयारी में लगे रहें, तैयारी आपकी जो है धारदार होनी चाहिए। फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं तक, किसी भी बहकावे में नहीं आना है। एग्जाम एजेंसी बैन हुई है, ये CGL वाला ऑफलाइन पेपर के लिए बैन हुआ था। ऑनलाइन CBT मोड पे कोई और एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराएगी इसके रिगार्डिंग वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे ही पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आएगी डेफिनेटली आई विल शेयर हियर।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ, शेयर करें ताकि उनके कन्फ्यूज़न दूर हो सके। और इस वीडियो को साझा करना है किसी व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम एजुकेशनल ग्रुप में। वीडियो यहाँ तक अगर आपने देख ली और पसंद आया तो एक बार जय हिंद जरूर लिखें, और पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।